गियर का गियर खोल ले ले और इसमें पहला और दूसरे नंबर की रिंगा गियर अटकते हैं, पड़ते नहीं है मेरा। हाँ तो सेकंड की गियर की देखते हुए हम इसको छूटा करेंगे। हमने ऊपर का टोपा तो निकाल लिया है और इसका एल और 10 का जो चांद कवर है 10 का बोल्ट और यहाँ पे एक लॉक इस तरीके से लॉक निकालेंगे। इस लॉक निकालने के पहले यहाँ पे 30 नंबर की नट लगती है और ये 30 नंबर के और ये लॉक दोनों सेट ना इसको पकड़ना इस तरह यूं पकड़ लोग आना चाहिए। हाँ माने अपने काम पप्पिया करने में चाय दिया नहीं लेकिन आधा कम पड़ी ना मैं वो ये हम दोनों बाकी रह गए मोकली दे जरा पड़ा पड़ो 120 पीस पे मां है ना जल्दी मोकल ते क्या है दुरुआ वो इसको ये नहीं तो इतने जरा हम निकल जाऊं नहीं दो लोग ये लोग को इस तरीके से तो लिम भाई निकाल लेंगे खाली रिंग ही मंगाओ जाओ हमारे भाई की चाय की रिसर्च पड़ी है, चाय के बाद भैया खोलेंगे एयर गन के जरिए से। उसको भेजने भाई को हमने नट तो खोल ला ली, इसको बाहर निकालेंगे चांद कवर के। चाबी हेलो बुलावे हेलो तो निकाल के ये पांचवा गियर है तो रख देना है और इसको इसके अंदर रख देना है और ये दो बेरिंग आएगी तो उसके अंदर की है और ये चक्कर है ये छोटी वाली डीप वाला भाग ऊपर लगेगा और बड़ी वाली भाग का इस तरह के अंदर बैठेगा और 12 के बोल से इसको जो एक कवर हैगा चांद कवर बोलते हैं इसको निकाल लेंगे। 6 बोर्ड आएंगे इसके अंदर चीज़ बताई जाएगी कि किस तरह से क्या होता है क्या क्या नहीं होगा यहाँ पे। और इसके अंदर एक ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइशर आएगा ये देख और इसके अंदर ये वाइशर हटा के बाद इसके अंदर एक ये लॉक आएगा निकल जाएगा तो तुरंत निकल जाएगा ना थोड़ी दिक्कत करेगा निकालने में। एयर गन ले रहा था रुक जाना हां ले हां वाला ने वो खाली एक चल गया वापस निकल गया ये थोड़ी रोक वो वापस अंदर बैठ गया ये निकला और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस छोड़ निकल गया लॉक के बाद हम इसको ये खोलेंगे
यहाँ पे एक इसको फिदा लेना है और राउंडिंग के जितने भी बोल्ट है खोल लेंगे इस तरीके से। और ये जो रिवर्स का बोल्ट है इसका जो रिवर्स चक्कर लगता है इसका ये बोल्ट है इसको खोलना आएगा तो पूरा खोल लेने का है इस टाइप का आएगा। देख सकते हैं कि किस तरह का है बताओ इस टाइप का बोल्ट है। ये एयरगन का काम बदल लेगा पे और नहीं यानी छीड़ी नहीं ली हमने आधी छीड़ी छीड़ेंगे था दो तीन बोल्ट हुए तीन। पोखर मोटर यूट्यूब सर्च करो सब्सक्राइब रुपये करो और आगे शेयर करो। जितने भी हांडी के राउंडिंग है सब खोल देंगे। एयरगन का काम पता क्या क्या ले ले एयरगन सिद्दीक हाँ ले ले भाई एयरगन लाओ के बाद जो ये गिर के चेंजर के बोल्ट खोलने के 12 के 4 बोल्ट आएंगे। ये अरे तोड़ा लगा मोबाइल मेरा एक लास्ट बोल्ट बाकी है चेंजर को बोल्ट खोल के पर जो चेंजर का जो स्लाइडिंग का आता है इसका है 14 का बोल्ट 14 का खाना दे 4 बोल्ट खोल के हैं 14 हाँ रिंग अब बॉक्स पर रिंग बना खोल के लगे ना बाइस का रिंग बना लेता अंदर होगा खाने में पहले खाने में। और ये 12 का बोल्ट खोलना है जो चेंजर का ये बोल्ट है क्या आएगा 22 का चाहिए 21 का चाहिए 22 का रिंग बनाना चाहिए चेंजर निकालने के पहले इसको खोलना है और बोल्ट इस टाइप का आएगा। और ये 14 का भी खोलना है चेंजेस का ही है चेंजर का ही है इसको भी खोलना आएगा। जब तक ये दो चीज़ें नहीं खुलेगी वहाँ चार दो चीज़ें ना चार बोल्ट नहीं खुलेंगे मतलब चेंजर बाहर नहीं आएगा। और इसको अधूरे से निकाल लेना है न्यूट्रल कंडीशन में निकाल लेना है ये चेंजर है एयरगन से इसके राउंडिंग है जो बाकी रह गए हैं अब खोलेंगे। ये क्या हो गया ठंडा हो जाओ गाड़ी के नीचे दबाया
और जितने भी बोल्ड है एक ये भी खोलना है जो गियर का वो लगता है, और जितने भी बोल्ड है सब निकाल लेना है। और इसके 3 बोल्ड गियर के अंदर आएंगे और इसको गियर को ऊंधा करके 3 बोल्ड खोले जाएंगे यहाँ पे अंदर निकाल लो वो नहीं निकाल ये और एक ये नहीं हाँ निकाल लेगा जो यहाँ पे देख सकते हैं वैक्यूम की पाइप है, इसको इस तरीके से निकाल लेनी है और रख देना। और सारे भी बोल्ड खुल गए हैं। और एक जो ये है ये रिवर्स की सीज है ये वाली, इसको खोलनी है। हांडी हाँ निकल गई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी एमरी है। ये जो इसके अंदर आता है पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड गियर इसके अंदर है, रिंगों के अंदर है। और इसको ये रिवर्स की कंडीशन है, रिवर्स गियर है। इसको रिवर्स गियर को निकाल लिया, फिर रिवर्स गियर के जो बोल्ट है उसको निकालना है, खोलना है। दोबारा के बोल खोल के निकाल लेना है। और ये वाली इसके चेंजर और ये साफ्टिंग का निकाल लेंगे। रिवर्स की है और ये पांच में गियर की। इसके बाद इसको गियर को ये गियर को इस तरह से निकाल लेना है। ये चांद कवर है और पहला ये टॉपसा वाली रिंग है, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये चौथा और ये तीसरा गियर है जो बड़ी छोटी रिंग आएगी, और चौथा और तीसरा आएगा जो बड़ी रिंग आएगी वो पहला और दूसरा और सेकंड और थर्ड। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये रिंग है ना, रिंगों में प्रॉब्लम आती है, इसमें बीमारी है। और इसको हम रखेंगे और कूलर से हम निकालेंगे। इसको पकड़ लगा देना है, पकड़े हम पकड़ फोन इस तरह की खाना चाहिए भाई। ये क्या क्या बोला था? लेके आ रहे और इसको ये कूलर इस तरीके से लगा देना है और इसमें इसको इस तरीके से इसको छटकाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर आ रहा है बेरी का। हाँ था डो Thank you.
लड़पो भी आ जाएगा अभी रिंगा कट गई है। इस तरह की आप रिंग चेंज कर डालोगे तो आपका प्रॉब्लम पहला और दूसरे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये रटकने की बीमारी नहीं रहेगी। इन्हों तीन कांचें खराब हो गई है। एक जना बोलो ना बस। और लाइक करो और फॉलो करो सब्सक्राइब करो। अच्छा रजिन लगा देना है। पकड़ो हो गया गाड़ी में कितनी गति बैठक बैठक ले दो बैठक ये वाला लोग यहाँ लगेगा।
वहाँ पर देख लेना, देखा है कि नहीं पता होगा, आगे लेट जाएगा तो नहीं लगेगी और Thank you.
दो शार्पिंगा लगेगी इस तरीके से। बहुत सारी गाड़ियों में इसके अंदर है ना स्प्रिंग और एक खरा आता है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता, इस तरीके से टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद एक शार्पिंग है इंजन का लगाना है, इसमें नहीं है सर। नहीं हेलो बोलो इसके बाद ये रिवर्स का लगा देना है यहाँ पे, और ये लॉक है, इसको लॉक में बिठाना है। इसकी कांच में यहाँ की कांच है, कांच के अंदर ये वाली कांच लगेगी, और जो ये है और जो ये बोल है 12 का, और इसके जो यहाँ पे एक चिपका है एडजस्ट के सामने रखना है इस तरीके से, तो बोल आसानी से फिराने की जरूरत ना पड़े, आसानी से बोल यहाँ पे लग जाए। और इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड ट्यूब लगानी है, मैं बॉन्ड ट्यूब लगाया था, मैं लेकर आया बॉन्ड ट्यूब। इसके बाद हमारे भाई को कंपनी वाली बॉन्ड बहुत अच्छी लगाते हैं, कंपनी टाइप ही बॉन्ड लगाएंगे एकदम, उम्र में लग रहा है सामान तो लाया, काम किए इतना सामान वगैरह, सामान वगैरह काम किए इतना है खोखर बोन अच्छी तरह से लगानी है तो कहीं लीकेज बिगड़ ना पड़े। समय समय हमने काम में थोड़ी करावड़ा हो, हमने काम लेट करावड़ा हो। તમે હજી ત્યાં લોક લાઈન નથી આપ્યું, નીચેના રેડિયેટરના બ્રેકેટ લાઈન નથી આપ્યું, હું શું કહું છું પણ ત્યાં હજી તેનાની લોક નથી આપ્યું તમે, એટલે તમે અધૂરા અધૂરા કામ કરો ભાઈ, તમે મોડું કરાવડો ભાઈ, અમને ભાઈ ઉતાવળ કરાવજો, થઈ ગઈ ગાડી, થઈ ગઈ ગાડી, લગા દેના કવર પૂરા રોકના હેડલ હેડલ રાઉન્ડિંગ સારા બોલ ટાઈટ હો ગયે ઓર એક વાઇસર લગતા હે, વાઇસર લગાને એક લોક ઇસ તરીકે સે
लॉक लगा देना है। इसके बाद ये ब्रेकेट है लोखंड का, 6 बोल वाला। और इसकी जो खांच है ये वाली, अब देख सकते हैं यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे इस तरीके से, और 6 बोल लगा देना। गाड़ी लगा ये बड़ी कितने बजे देख तो अजान तो हो गई है, अभी मैंने एक दो नमाज कर लिया। अजान चालू है अभी, वो हो गई है 15 हो गया। उसके बाद मेरे को अजान का आवाज़ आया इसके लिए, तो 6 बोल टाइट कर देना है। बारह के बोल टाइट कर देने। ये चक्कर को बिठाना है, ये बैठ गया। इसके बाद पांचवा गियर लगेगा, तो पांचवें गियर के साथ एक चांद कवर लगेगा साथ में, है? और इसके ये दो बेरिंग, दो पीस में बेरिंग आएगी, और ये चांद कवर है। एक लॉक लगेगा, एक यहाँ पे चांद कवर पे 10 का एक बोल्ड लगेगा। ये लॉक है, ये लॉक, और यहाँ पे 10 का बोल्ड लगेगा। और पे ये लॉक लगेगा पांचवें गियर का। एयरगन यहाँ पे 30 की नट, इसको लगा दो ना, चेंजर लगा। यहाँ पे चेंजर लगेगा, और जो ये है नोटर की कंडीशन में रहेगी, इस तरह सीधी रहनी चाहिए तीनों तीन शाफ्टिंग। इसके बाद यहाँ ऊपर आए चेन चक्कर, बंद कर दे सीधे, कभी बोन टूब लगा देनी है। वीडियो जो है कराई ना के लिखी है, नहीं ले तो। न्यूट्रल कंडीशन में इसको चेंज चक्कर को लगा देना है। बान भूली है बस, ये लगा देने 10 मिनट के, नहीं पूरी छोड़ने यूट्यूब में। और 4 बोल्ट 12 के, और 12 की डीसी है, उसको टाइट कर देना है।
13 मिनट चार चार मिनट उसके बाद 12 का बोल रहे हैं उसके बाद अंदर के जो 3 बोल बाकी थे लगाने के वो लगा देंगे और उसको टाइट कर देंगे। यहाँ लाइटिंग की 14 का बोल्ट यहाँ पे लगेगा ना। आग बंद करो ना, खोलो चढ़ी से। ये वाला एक बोल यहाँ पे, यहाँ ये वाला बोल यहाँ पे, ये करवाने करवाने करी बस की चीज। तमे जोड़ लो तो बदु रमा थामर थे क्यों तो ला कुछ इराक भी के बस। तो ये वो रमा उसको मारने के बंगे जो गोली गोली खुली रमा। ए आम पकड़ यार, और बुरा सो उबुरा कौन नहीं है, मने धक्का खड़ा है खड़ा करे ये मरा है बारा का। तो यार अता पाऊ रेडी रे मने लेवा आपा गबर चेक करिन जाओ। એટલે મારે અહીંયા પાઉ ચેક કરો જો આપણો શું ચેક કરે કે તું ફિટિંગ કરે આપણ હવે રબર માટે પાછું જવાનું મારે એક માણસ સ્પેશિયલ આવા જવામાં બધું થઈને અડધો કલાક પાછું બગડી જવાનું એના માટે ફિરોજભાઈ નહીં ફિરોજભાઈ લે હું સામાન લેવા નહીં મોકલું ને ઉતર અમે ને ફિરોજભાઈ જે તકે તમારા કામ માટે તૂડી ચલા ઘડી ઘડી ધક્કા ખાવાના મારે વાંધો નહીં તો લેબર વધારી દઈશું આપણે एक धक्का का 500 रुपया आप ही दे जो। पाँच सौ रुपया अंबानी का चलो 400 रुपया आप ही दे जो। चलो ये अनिल अंबानी का महंगा थी तूने लो गया इधर दो बीघा धान ने यार है जो यहाँ लीन आएगा लगता एक कल ये लिया टाइट कर लेना है इसकी नाइट। नमाज पढ़ना आने का तेरे टोपा लगा એ જે દાણે કહે હા હું એમ બોલું કોઈ હેલો કોઈ ચાબાત પીવાની છે
यहाँ रिवर्स का एक सेंटर मिला क्या नमस्ते ये 12 का बोल ये सेंटर मिला के इसको यहाँ लगा देना है। और कहाँ गया 12 के लिए इसको टाइट करना है। पूरा गेयर हमने बना लिया है, चार उपाय से बताएंगे। देख सकते हैं कि हर जगह से हर चीज़ लगा दी है और पूरा गेयर हमने कंप्लीट कर दिया है।